विधायक जी ने कहा मैं चौकीदार नहीं हूं। लेकिन चौकीदार से तो सीखिए आप लोग, कुछ भी करिए जो उनके उनके जो कला है वो आप विपरीत लोगों से भी सीखिए, आपके विरोधी हैं तो भी सीखिए। प्रधानमंत्री से मैं बहुत सीखता हूँ, मेरे पुराने मित्र भी हैं, प्रशंसक भी हैं, लेकिन क्या अब बताइए, वो जापान गए थे 2 लाख करोड़ का कर्जा लेने गए थे बुलेट ट्रेन का, 2 लाख करोड़ रुपए लेके आए और बदले में भारत की ओर से क्या देके आए, गीता। ऐसा नहीं था, आप सुनना आप विरोधी हो, उसमें भी उनकी चाल नहीं होगी भाई, 50 साल का कर्जा लेके आए, अब 50 साल बाद ना ये रहे ना शिंजो आबे रहे, और कर्जा हम लौटा नहीं सकते क्योंकि हमको कर्जा वो दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। तो 50 साल बाद ये पैसा मिलेगा नहीं, क्या भाई वो क्या डील हुई थी, कागज देखो, तो कागज में गीता लिख लेंगे तो फिर वो गीता पढ़ेगा, तुम क्या लाए थे रुको गया था ही नहीं, तो उसे संतोष प्राप्त हो। तो प्रधानमंत्री को पता था वो पहले ही गीता दे आए, बोले तू रख, नेता इनका भी बड़ी मेहनत कर रहा है, अब तो यज्ञोपवीत भी पहन लिया है, और मानसरोवर और सोमनाथ बड़ी बड़ी जगह यात्रा की, 48 वर्ष के हो गए, वो जो काम करना था वो नहीं हुआ, बहुमत मिला बहु नहीं मिली, सरोवर गए थे सोमनाथ गए थे, क्यों क्यों गए थे, बोले वर मांगने, मैंने कहा 48 के हो गए अब तो वधू मांगो, सब पंक्तियां सुना रहा हूं, आनंद लीजिए, 2-4 मुक्तक सुनाकर आपको विराम दूंगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, यहाँ आनी थी वहां, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, पंक्ति सुनिए और आत्मविश्वास पर दोहराइए अपनी तालियों का कोलाहल अगली पंक्ति पर, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूँ, 4 पंक्तियां और सुनेगा, कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वाह करो, अगली बार से कार्यक्रम भी कराइए, अभ्यास पड़ जाएगा यहाँ पहली बार, अब देखो ये बेचना ब्रांडिंग मार्केटिंग ये भी देश में सबसे अच्छी, लोग बाग फॉरेन के फार्मूले लाएगी, ये सेल्स का फार्मूला ये मार्केटिंग का, उसने सबके फार्मूलों को मानसरोवर भिजवा दिया स्वामी रामदेव, उसने बताया कैसे बेचा जाता है, है? उनका मैंने अभी नमक देखा था व्रत पे नवरात्रि में, मेरी माँ ने रख रखा था, उसकी जो हेडलाइन थी जो उस पर पेज पे छपी हुई थी जो नमक की पुड़िया थी वो इतनी राष्ट्रीय थी कि आपका मन ही नहीं करता कि ना खरीदो, उस पर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, अब बताओ मन में कैसी राष्ट्रीयता पैदा हो जाती है कि यार यही खरीदना है 25 लाख साल पुराना, और नीचे कॉर्नर पे जो बात लिखी थी तो 3 दिन हंसोगे आप, बोले 25 लाख साल पुराना हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 26 फरवरी, मैंने कहा भाई टाइम पे खोद लाया, नहीं तो पता पड़ा पड़ा ही गल जाता, तो ये भी उन्होंने, मैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी जाता हूँ, IIM भी जाता हूँ, IITs भी जाता हूँ, मैंने IIM में लड़कों से कहा कि देखो भाई ये पोजीशनिंग ब्रांडिंग प्लेसिंग मार्केटिंग ये सब बोलो ऐसे भी लोग, पर सीखो बाबा से, मैंने कहा तुम ही थे जो पेप्सी और कोक वालों से 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेते थे, एक लंगोटी वाला साधु आया उसने कोक उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था, और ताली तो अगली पंक्ति में बजेंगे, और मैंने कहा ध्यान रखना ये तो लंगोटी वाला है में हो रहा है, सारे नागा बाबा बैठे हैं, बोले ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल के CEO, ये हिंदुस्तान लीवर के CMD,
तो जो भारतीयता का मूल तत्व है इसको सीखे। मैं पहले भी मैंने ये बोला, एक ये भी संकल्प करके जाइए यहाँ से, हम कहते हैं ना सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया बोलते हैं हम, इस पर बड़े बाहर जाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचते हैं, बिलासपुर के पास के गांव के हो आप, है ना, छोटी सी जगह के हो, कुरुद के हो, कहीं के हो, आप बताने से शर्माते हो। जो अपनी मिट्टी से शर्माए मिट्टी उससे शर्माएगी, और अगर मिट्टी आपसे शर्माएगी तो आप बीज नहीं बन पाओगे, कभी वृक्ष नहीं बन पाओगे। मैंने आपको 5 बार बताया कि मैं छोटे से कस्बे से हूं, मैंने आपको इतनी बार बताया कि मेरे पिताजी अध्यापक थे, मैं कहां पैदा हूं। तो मिट्टी का सम्मान करिए अपनी पहचान, और यहां से संकल्प करके जाइए कि आज के बाद जब भी एक दूसरे से मिलेंगे, चाहे रायपुर मिले और चाहे राले में मिले, अमेरिका में मिले, न्यूयॉर्क में मिले, एक दूसरे से बात करेंगे तो हिंदी में बात करेंगे, छत्तीसगढ़िया में बात करेंगे, अपनी भाषा में बात करेंगे। अंग्रेजी से कोई बैर नहीं, अंग्रेजी अच्छी भाषा, अंग्रेजी के विद्वान प्राध्यापक गण बैठे हुए हैं, स्कॉलर्स बैठे हो, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है अंग्रेजी से। मैंने विश्वविद्यालय टॉन, कितनी भी सुंदर हो मेरी माँ से सुंदर थोड़ी हो सकती है, वरना थोड़ा सा पैसा आते ही थोड़ी सी लोकप्रियता आते हैं। ये मैं देखता हूँ मुंबई वालों को, आपने देखा ये हिंदी में फिल्म बनाते हैं, हिंदी में गाना लिखते हैं, हिंदी में डांस करते हैं, है ना, काला चश्मा जचता है। और इनको देखो ये 12वीं फेल लड़कियां, 11वीं पास इनका हीरो। अबे गाना भी अंग्रेजी में कर दे एक दिन, फिर देखें कितना चले तेरा, या फिल्म भी अंग्रेजी में करके देख। ये कमतरी का भाव, ये छोटेपन का भाव है, ये अपनी पहचान को छिपाने का भाव है, ये नौकरों में आता है। और आप तो मालिकों के देश में पैदा हुए हो, आप तो ज्ञान के सबसे बड़े विशारदों के देश में पैदा हुए हो, तब कहता हूं कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। 2-3 मुक्तक और विराम देता हूं आपको, बहुत देर से आपने सुना कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। ये चैनल वाले आज इसलिए आए सारे, डीपी विप्र महाविद्यालय के 50 साल पूरे हुए तो प्रोग्राम दिखाएं, ये इसलिए आए कि मेरे मुंह से कुछ निकले तो ये चलाएं। फिर फिसली कुमार की जबान, इसलिए आए, लेकिन इनका भी स्वागत है। तब कहता हूं कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। आइए मेरे साथ, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। लड़कों सोचने वाली विषय, ज्यादा तालियां और आवाजें लड़कियों की तरफ से आती है, बताओ, वो ज्यादा अच्छी तालियां बजाती हैं सारी लड़कियां जितनी बैठे हैं, देखो आप। हमारे विश्वविद्यालय में एनएसएस होता था, आपने भी होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना, आप है, अच्छा आप है, वो एनएसएस में हमारे, तो हमारे कैंपस का सबसे बदमाश लड़का जो करमवीर था वो एनएसएस का सेकंड आर्मी था, इंचार्ज था, वो ही चला था, वो सबसे आगे, हमको तो पता नहीं था, हमको एनएसएस को नाश्ता सट को स्कीम मानते थे, जाओगे तो नाश्ता मिलेगा। रैली निकाली, आपने से अलग अलग बिठा रखे लड़कियां, अलग लड़के अलग, मैं हाथ मार के पूछा मैं इनका कहां है देश, तो बोले ये क्या आ रही है पीछे, तो तुम देश की रक्षा के बारे में छोड़ना सोचना छोड़ो, ये 2-4 पंक्तियां इन्हें सुनो कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। अब इन दोनों के लिए एक एक पंक्ति, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। और
दो मुक्तक आखिर में और सुन लीजिए जिनके कारण मैं लोकप्रिय हुआ, ये पूरी दुनिया में पहुंची। इनमें कुछ खास नहीं है लेकिन आप दोहराते हैं साथ में गुनगुनाते हैं तो अच्छा लगता है। कि कोई दीवाना के ये अच्छा ही इतना लोकप्रिय हुआ इतना ज्यादा कि मैंने एक बार न्यूयॉर्क से लॉस वेगस जाते समय रास्ते में फ्लाइट बदली ह्यूस्टन में, तो मैंने फ्लाइट बदली तो मैं वॉशरूम में गया, टी शर्ट जींस पहन रखी थी और वो थोड़ा सा जाड़ा था तो हुडी पहन रखी थी, तो मैं अंदर गया तो देखा कि जब मैंने अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया धड़ा खड़ा तो पड़ोस में खड़ा हुआ एक लड़का था, तो मैंने उसको रोका यहाँ नहीं। बोले व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने कहा भैया 2006-07 की बात है, तो मैंने कहा तुम जो भैया अंदर गा रहे थे वो अंदर नहीं गाना, क्यों? मैंने कहा वो मेरी पोएम है। तो बोला तो तू भी गा ले। फिर मैंने किताब निकाल के दिखाई, मैंने कहा भाई मैं मोहरी, बोले सर मैं तो लाहौर का रहने वाला हूँ, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आप हमारे यहाँ भी बड़े पॉपुलर हैं, आई एम सॉरी। मैंने कहा सब जगह गाओ बस यहाँ मत गाओ, कोई ऐसी तकनीकी दिक्कत हो कि इसके बिना नहीं हो पाते हो, लोरी में सुनी हो तो गाओ तो सब गाओ, ये सब चुप रहो, है ना। कि कोई दीवाना है कोई पागल, हम तो दिल्ली में दुखी थे, अच्छा मैं ले वापस, आप क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। अच्छा एनसीसी ऑफिसर, आप इनको डायरेक्ट बादल समझ, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अगली पंक्ति महोत्सव हो जाना चाहिए यहाँ पर, 50वां। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता। चार पंक्ति और सुनिए प्रेम के विषय में, प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। मुझे विदा दीजिए, मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग फेसबुक से ट्विटर से जुड़े रहेंगे, और मैं जैसा कि विधायक जी ने कहा कि वो इस परिवार के सदस्य हैं, तो मैं भी आपसे अनुराग भाई ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी अब इस डीपी विप्र महाविद्यालय के परिवार का सदस्य हूँ। इसके शुभ में, इसके मंगल में मेरी जो भी आवश्यकता हो, विधायक जी ने कहा कि दिल्ली जाके मैं बात करूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, दिल्ली वाले मुझसे ही बात नहीं कर रहे। अब तो मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप लोग कैसी स्थिति में दिल्ली में होंगे तो आप दोनों एक दूसरे से ही बात कर लें। यहाँ तो हो ही गए, थोड़ा और आगे भी बढ़े तब पंक्तियाँ सुनाता हूँ, सुनेगा। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी ही कहानी है, ये फाइनल ईयर वाले जो ये तय नहीं कर पा रहे कि लड़की ढूंढने की नौकरी। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, दो शब्द प्रयोग हुए इसमें, दो फकीर प्रयोग हुए हैं, आप सब की दाद इस पर भी मिलेगी। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना हमारी संगीत की जो प्रोफेसर साहिबा थी जो यहाँ पर थे, लोग कर रहे थे, सब कह रहा हूँ। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, और कभी दिल धड़का हो तो अगली पंक्ति पर दोनों हाथ उठाकर आकाश में तालियां बजाना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर 50 वर्ष के उत्सव को और मंगल करे, फिर कभी कोई और बड़ा अवसर होगा तो मैं उपस्थित होना। मैं विधायक महोदय को सम्मान के लिए आमंत्रित किया मिला, श्री यादव दुबे जी जो बी एम कॉलेज के हैं उनको इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाविद्यालय सर द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्मृति चिन्ह के लिए मैं प्राचार्य का अनुरोध करूँगा कि आज के मुख्य अतिथि सम्मानित
कुमार विश्वास जी को इस विधि को देकर सम्मानित करो। और मैम सामने ऐसे